ये गांव काफी प्यारा है। आप देख सकते हो यहाँ पे इनका ये घर है और बस इसी को लग के यहाँ पे ये खेती हो रही है। Hey guys, good morning and welcome to the channel। और अभी हम जा रहे हैं अलीबाग। आप देख सकते हो पीछे हाईवे है और मैं अभी ये देखिए दिस इज दत्त गुरु। जब भी मैं अलीबाग जाता हूँ तो हम लोग इसी होटल पे ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अगर मैं बताऊँ कि मैं अलीबाग क्यों जा रहा हूँ तो आपने मेरा पुराना ब्लॉग देखा था मेरी भाई की शादी, तो अभी उसका पार्ट टू आ रहा है। मेरे दूसरे एक भाई की शादी फिक्स हो गई है और अभी हम जा रहे हैं अलीबाग में लड़की के घर पे, मतलब उनका घर देखने जा रहे हैं पहली बार। इनका घर अलीबाग में ही है तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं, तो मैं आपको फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद आगे दिखाता हूँ। तो गाइस हम लोग अलीबाग पहुंच चुके हैं। ये गांव का कुछ नाम है अभी मेरे ध्यान में ही नहीं आ रहा, मैं बाद में नीचे सबटाइटल्स में दे दूंगा इस गांव का नाम क्या है। तो ये उनका घर है, मतलब जो मेरा भाई है उसकी होने वाली जो वाइफ है ये उनका घर है। आप देख सकते हो गांव कितना खूबसूरत है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये छोटा सा रास्ता है, मतलब छोटा सा गांव अगर मैं बोलता हूँ तो ये एग्जैक्टली गांव नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट में है, यहाँ पे एक 650 खड़ी है और एक GS 310R खड़ी है। तो ये उनका घर है, ये उनके भाई है, इनका घर है, ये इनका घर है और ये घर के पीछे वाला हिस्सा है। मैं आपको अभी लेके जाता हूँ अंदर। आप देख सकते हो कितनी सिस्टमेटिकली, कितना साफ सुथरा और ग्रीनरी है यहाँ पे। काफ़ी सारे पेड़ हैं यहाँ पे, आम के पेड़ हैं, देन सीताफल है, नारियल के पेड़ हैं। तो आहे ना मशीन नी तरतो पोरगा हा पायाने असं तरतो, पायाला लावतो ते आणि जातो एकदम सेफली जातो, काय टेन्शन फर्स्ट क्लास। हे पण तुमचंच आहे का? हे बाजूच आहे, म्हणजे आमच्या बोलण्यावरचे आहेत दुसऱ्या स्टँड। हे बासमतीचं झालंय पाहिजे हे चिकू आहे ना, हे चिकू आहे ना, हा चिकू फणस आहे, चिकू आहे, सगळी फळं येतात। हा जाम आहे पासून टाकतो। सो गाइस अभी यहां पे फोटोग्राफी सेशन चल रहा है, आप देख सकते हो। सो दिस इज माई मेरे भाई, मतलब हमारी भाभी है, मतलब मेरे भाई की होने वाली वाइफ, और ये हमारी फैमिली है जो हम लोग इनके घर देखने के लिए आए हैं। ये गांव काफ़ी प्यारा है, आप देख सकते हो यहाँ पे इनका ये घर है और बस इसी को लग के यहाँ पे ये खेती हो रही है। यूजुअली यहाँ पे राइस मतलब भात की खेती होती है। बारिश अभी, वैसे तो मुंबई में बारिश शुरू हुई है, महाराष्ट्र में बारिश शुरू हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे इस तरफ फुल फ्लेज में नहीं हो रही है। मुंबई में भी फुल फ्लेज नहीं हो रही है। छोटा गांव है बट काफ़ी प्यारा गांव है। अभी तो हमारा यहाँ पे काफ़ी आना होगा किसी ना किसी वजह से, और अलीबाग तो हम वैसे यूजुअली आते ही हैं, मतलब साल में 5-6 ट्रिप अलीबाग में होते हैं, तो अभी इसी बहाने यहाँ पे भी एक ट्रिप हो जाएगा। थोड़ी दूर तक मैं जाऊंगा, देन यहाँ से हम लोग रिटर्न जाएंगे क्योंकि अभी घर जाने का वक्त आ गया। इट्स ऑलमोस्ट 2 PM और अराउंड 3 घंटे का जर्नी रहेगा। और आज संडे है तो संडे को अलीबाग से काफ़ी लोग रहते हैं अलीबाग में जो संडे को रिटर्न जाते हैं, तो रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक होता है क्योंकि ये सिंगल लेन रोड है।
एक बार हाईवे टच करेंगे, बाद में फिर टेंशन नहीं है, फिर अच्छा खासा स्पीड पकड़ सकते हैं, लेकिन तब तक तो हम लोग को एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी, मतलब देयर इज नो ऑप्शन टू ओवरटेक, काफ़ी टाइम जाता है। तो चलो अभी हम इनके घर की तरफ रिटर्न चलते हैं। गाइस आप ये देख सकते हो, दिस इज 1990 RX 100, जिस कंडीशन में रखी है, मतलब बाइक एंथुसियास्ट है ये लोग। हम जैसी एंट्री मारे तो मैंने देखा था कि दिस गाय इज क्लीनिंग हिज बाइक। GS 310 है, एक RE650 इंटरसेप्टर, एंड ये है प्योर गोल्ड है ये, जो इन्हें छुपा के रखा था। तो गाइस हमारा खाना हो चुका है, द फूड वॉज रियली गुड, मतलब जो देसी स्टाइल को होता है ना गांव में, वैसे वाला खाना था, अच्छा लगा मुझे, पेट भर के खाना हो गया। अभी नींद आ रही है, जाते समय गाड़ी में मस्त सो लूँगा, एंड द पीपल आर वेरी गुड, मज़ा आ गया। और अगले हफ्ते एंगेजमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे अगले संडे फिर से आने वाले हैं, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो आपको मन में क्या करना है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक ले, गुड बाय।